वाला में एक्टिवेशन के लिए पैसा भेजना होता है। सर एक्टिवेशन के लिए पैसा लगता है सर, कोई दिक्कत अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल करवा लीजिए पार्सल, दूसरा ऑर्डर मंगा लीजिए। ओके थैंक यू। जी एड्रेस एक्टिवेट करवा दीजिए सर, आपको मिल जाएगा कल तक सर। जी तो एड्रेस तो डाला हुआ है ना सर, तो उसमें फिर क्या एक्टिवेशन सर आप करवाना डाले है? हैं सर, नेटवर्क की वजह से सिस्टम कंप्यूटर पे एक्टिवेट नहीं हो पाया है सर। ओके तो आप दोबारा टेक्स्ट मैसेज कर देंगे सर तो एक्टिवेट हो जाएगा, हाई प्रीपेड चार्ज जाएगा। ओके कर दीजिए सर। ओ तो ये किस टाइप से करना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको मैं कॉल टेक्स्ट मैसेज में एड्रेस सेंड कर देना है सर, एक्टिवेट यहाँ से हो जाएगा जी। तो वो कैसे करना है सर? टेक्स्ट मैसेज करना है जी, टेक्स्ट मैसेज करना है जी। टेक्स्ट अरे टेक्स्ट मैसेज किस पे करना है? मैं नंबर बताऊंगा सर, कितनी बार बोलूंगा मैं नंबर बताऊंगा कुरियर बॉय का, जी। उस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, फर्स्ट में 5 रुपये चार्ज आएगा, वो पेमेंट कर दीजिए कंपनी के अकाउंट। देखिए टेक्स्ट मैसेज में आपको मैं सेंड कर दिया, चेक किए हैं? इस पे तो नहीं है सर। टेक्स्ट मैसेज में सर मिल गया होगा। एक बार फिर से कर देंगे सर सेंड, वो मिल नहीं रहा है। हेलो हेलो सेंड, हेलो सर का मैसेज सेंड किया सर, मिला एक मिला ना सेकंड। सर? हाँ अभी एक मैसेज तो आया है। जी उसके नीचे देखिए कंपनी वेबसाइट मिला है, जो ओपन करके पेमेंट कर लीजिए। इसमें आया है, वही लिंक आया है, क्लिक करना है क्या इसको? क्लिक करेंगे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जी, इसमें डायरेक्ट यूपीआई का आ रहा है सर। जी बैंक में खाली बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल कर दीजिए, मोबाइल में 5 रुपीज सीपीआर पिन डाल कर परचेज कीजिए, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो रूल कभी हम सुने नहीं है कि पेमेंट करना होता है, वो तो आने के बाद होता है पेमेंट सर। अरे नहीं सर एड्रेस ही एक्टिवेट नहीं होगा तो पैसा आपका पार्सल कहाँ जाएगा जी, एड्रेस एक्टिवेशन चार्ज 5 रुपये लिया जा रहा है ना, कोई बड़ा चार्ज तो नहीं है ना? लेकिन सर इसमें तो थोड़ा रिक्स लग रहा है, कहीं स्कैम उस्कैम ना हो इसमें जाए। रिस्क क्या रहेगा सर, कंपनी की वेबसाइट है तो पेमेंट करने के लिए तो सही ऑप्शन आ रहा है ना सर। ओपन किया तो क्या लिखा है सर, कोरियर पेमेंट गेटअप एक्टिवेशन सर, जो आपका एड्रेस एक्टिवेशन होगा सर उसका पेमेंट करना है 5 रुपीज। कोरियर पे डॉट इन लिखा हुआ है सर आपका, ये तो ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखिए सर क्या लिखा है, पेमेंट गेटवे कोरियर एक्टिवेशन। करेंगे ओनली 5 रुपीज लिखा है सर कंपनी के नाम। ओके जी कोई इस दिक्कत नहीं सर, पेमेंट कीजिए, मैं लाइन पे रहिए और मैं नंबर बताता हूँ उस पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए एड्रेस, कल शाम तक आपको कुरियर बॉय कल कॉल कर देगा जी। जी। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय पेमेंट करने का? नो सर, कंपनी सिर्फ ओनली एक ही अकाउंट बनाती है, जो सभी कस्टमर करते हैं सर आप भी कीजिएगा उसी में सर। जी लेकिन ये तो हमको लग रहा है सर कि ये स्कैम टाइप से लग रहा है हमको, कहे कि हम ऐसा तो कभी सुने नहीं है कि कोरियर वाला में एक्टिवेशन के लिए पैसा भेजना होता है। सर एक्टिवेशन के लिए पैसा लगता है सर, कोई दिक्कत अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल करवा लीजिए पार्सल, दूसरा ऑर्डर मंगा लीजिए। ओके थैंक यू। ठीक है सर, फिर ऐसे में तो रिक्स ही लग रहा है ना सर कि स्कैम टाइप से लग रहा है हमको, स्कैम टाइप से लग रहा है सर। अरे सर कुछ नहीं, पेमेंट करेंगे आप जी, जितना अमाउंट डालेंगे उतना ही अमाउंट आएगा ना जी। नहीं वो तो अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे अगर हम अपना डिटेल भर देते हैं तो फिर डिटेल क्या है सर इसमें, कोई आप कहाँ पे खजर बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर तो आप कॉल कर रहे हैं सर वो डाल ही सकते हैं सर, अमाउंट में 5 रुपीज डाल कर प्रोसेस करेंगे, क्या डिटेल आ रहा है सर? नहीं यूपीआई डालने से फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। यूपीआई डालने से दिक्कत है, यूपीआई पे दो अक्षर डाल के देखिए शो कर रहा है, वहाँ पे कहीं भी यूपीआई डालिएगा कहीं भी शो नहीं करता जी, जहाँ पे शो करता है वहाँ पे फ्रॉड होता है कि आपका यूपीआई शो करता है दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे आप डालने के बाद आपको खुद नहीं दिखेगा। और यहाँ ओटीपी भी डालना पड़ेगा क्या? ओटीपी कहाँ पे लिखा हुआ है जी? क्या नहीं, प्रोसीड करेंगे उसके बाद फिर ओटीपी मांगेगा शायद, यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है उसके बाद ओटीपी मांगेगा लग रहा है। सर ऐसा उपाय नहीं है कि आने के बाद हम दे देंगे पैसा कोरियर? नहीं सर कैंसिल कर देते हैं, थैंक यू। सर कैंसिल करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। दिक्कत क्या,
नहीं आएगा सर, दूसरा ऑर्डर मंगा लेंगे ना। तो फिर ये रिटर्न वहीं पे चला जाएगा ना जहां से आया है, या वहीं पे अटका रहेगा? पेंडिंग जाएगा सर, लेकिन अभी ये 2 हफ्ता के लिए पेंडिंग में रहेगा, 2 हफ्ता के बाद ही जाएगा रिटर्न सर, सारे के लिए सामने के बाद ही जाता दो है। दो हफ्ते तक मतलब रुका हुआ रहेगा वो ना। जी 2 हफ्ता रुका रहेगा। अच्छा, ये नया नया रूल निकला है क्या सर? जी नया रूल निकला है सर। जी ठीक ओके सर, कैंसिल कर देते हैं, दूसरा मंगा लीजिए आप। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से आप लोगों को कॉल आने वाला है। मैं आप लोगों को नंबर भी दिखा देता हूं कि कौन से नंबर से आया है। देखिए, नंबर भी कुछ ऐसा रहेगा ना कि आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे मैसेज के अंदर ऑलरेडी यहां पे व्हाई इज दिस स्पैम करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा बढ़िया तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसी तरीके से कॉल आएगा, कभी फ्लिपकार्ट के लिए कॉल आएगा, कोरियर रुका हुआ है, तो ये है वो है ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये स्कैम करने का एक नया तरीका है, और अगर आप इसके अंदर, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये जो इन लोगों ने लिंक भेजा है, इसके अंदर आप अपना डिटेल भरेंगे और प्रोसीड करेंगे, और आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा चीज वो पैसा निकाल लेगा, जो स्कैमर है ना, वो सारा पैसा यहां से निकाल लेगा। तो आज के बाद आपके पास कभी भी ऐसा कॉल आए कि भाई मैं कोरियर वाला बोल रहा हूं, एड्रेस एक्टिवेशन कराना है, तो इन सब चक्कर में आप लोगों को नहीं फंसना है। ये मेरे को पता था कि ये स्कैमर है, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और मैं जानता हूं भाई कि जब मैं एक बार एड्रेस भर दिया तो उसको फिर एक्टिवेशन कराने का जरूरत पड़ता ही नहीं है। और मेरा रियली में कोरियर से एक कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आ रहा है, तो मुझे पता है कि मेरा कोरियर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि जो कोरियर्स बॉय होते हैं उन लोगों से ये लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं और उसके बदले ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और आप लोगों को इसी तरीके से एड्रेस एक्टिवेशन के नाम से फ्रॉड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नया फ्रॉड आ चुका है मार्केट में, तो इससे आप अवेयर रहिए। और इस वीडियो को मैं व्यूज पाने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को हर एक बंदे को शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए और स्कैम से वो लोग बच पाए। तो बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं भाई कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, और बाकी चैनल में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो भी आ रहा है, तो उस सब वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।